कि क्यों ना थोड़ा कांडी की ओर घूम कर आए। कौन सा है? अरे मुझे तो नाचना नहीं आता। हमें हमारा तो आर्ट्स है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बुरांस के फूलों से लदा हुआ एक पेड़। मैं घूमने के लिए निकला हूँ कांडी पास की ओर और इसमें गुजर रहा हूँ राला से ऊपर पायल गांव की ओर से। मैं हूँ इसमें पायल गांव के पास एक कैंची मोड़ पर। यहाँ से थोड़े से खूबसूरत दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ये है पायल गांव एरिया और ये है कैंची मोड़। इस तरफ को ये नई सड़क निकल रही है। देखें खूबसूरती यहाँ की। ये सामने है दारल क्षेत्र। खूबसूरत थोड़ी हरियाली आ रही है अभी यहाँ। इस दारल गांव के साथ ही ऊपर है त्रैल। ये दारल के पास नीचे है प्रतापी वीर नारायण का मंदिर। ये प्रतापी वीर नारायण का मंदिर है और इसी से अगर दारल की ओर जाएं तो ऊपर ये है कालीनाग का मंदिर। चलता हूँ अपनी गाड़ी की ओर। अभी मुझे कांडी पहुँचना है और थोड़ा समय लगेगा और दोपहर हो चुकी है। इसमें मुझे कुल्लू से जल्दी चलना चाहिए था लेकिन देरी से चला। तो अब मैं पायल से निकल चुका हूँ और पहुंचूंगा अभी कुछ देर के बाद कन्नौज। कन्नौज से आसपास के दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सड़क चौड़ी होने का काम चला है यहाँ। और ये देखिए दारल का दृश्य। दारल और त्रैल गांव उस तरफ है। जितनी ऊंचाई से देखेंगे उतना खूबसूरत दृश्य नजर आता है। और ये सामने गांव है शोघी। इन पेड़ों के पीछे शोघी गांव है। बजौरा राला से आगे पायल और कन्नौज के बीच मैं खड़ा हूँ एक मोड़ पर जहाँ से आसपास के खूबसूरत दृश्य देखे जा सकते हैं। तो थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखाता हूँ आसपास के दृश्यों की। ये सामने पहाड़ी पर है न्यूल क्षेत्र और उस पहाड़ी के बिल्कुल शिखर पर है शोघी गांव। और मुझे जाना है इस रास्ते का प्रयोग करके कांडी की ओर। बैठे बैठे विचार आया कि क्यों ना थोड़ा कांडी की ओर घूम कर आए। आजकल बुरांस का मौसम है और यहाँ हम देखेंगे किस कदर बुरांस के फूल खिले हुए हैं। यह क्षेत्र हालांकि बुरांस के फूलों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है लेकिन अभी तक मुझे आसपास कोई भी ऐसे खिले हुए फूल नजर नहीं आ रहे हैं। या तो लोगों ने निकाल लिए हैं या तो अभी शायद यहाँ खिलना बाकी है। मैं पहुंच चुका हूँ कन्नौज लेकिन यहाँ भी अभी बुरांस के फूल नजर नहीं आ रहे। हालांकि चिड़ियों की आवाजें मधुर मधुर आसपास से आ रही हैं गाड़ी के भीतर भी लेकिन बुरांस के फूल अभी नहीं है। ये एक कन्नौज एरिया है गांव कन्नौज। ये सामने छुआरा ऊपर नजर आता है। छुआरा गांव ऊपर। यहाँ सामने कुछ पर्यटक खड़े हुए हैं और इधर मुझे नजर आ रहा है बुरांस का पेड़। यहाँ कुछ नवयुवक आनंद ले रहे हैं इस प्रकृति का। तो इनके बीच चलकर देखते हैं कि ये कितना आनंद ले रहे हैं। ये देखिए बुरांस का फूल भी है, इनकी गाड़ी भी है और कुछ फोटोग्राफी भी हो रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है अभी? कहाँ से आए आप लोग? हम तो आए हैं मंडी से। हम दोनों ब्लॉग बनाते हैं। मंडी से आए हैं, ब्लॉग बनाते हैं। कौन सा ब्लॉग चैनल है आपका? आरके ऋषि हिमाचल। आपका कौन सा है? एक ब्लॉग है एक प्रोडक्शन है। मुझे नहीं आता बेटा। ये मिल गए मुझे यहाँ एक ब्लॉगर। तो ऋषभ आप कहाँ से हैं?
मैं तो वैसे तो मंडी से ही हूँ। मंडी किस जगह से? मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। हाँ, कौन सा गांव? चिनकुआ वैली से। हिमाचल सारा का सारा गांव ही है? हाँ जी, हिमाचल से ही हूँ मैं। वही तो। कौन सा गांव बताया? चिनकुआ वैली। किस जंजाली साइड? अच्छा, जंजाली साइड। ठीक ठीक। तो आज घूमने कहाँ जा रहे हैं? कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा है। फूल वूल मिले? ये इलाका है यहाँ बुरास के फूल ज्यादा होते हैं। चढ़े थे? अच्छा, पेड़ पर चढ़े थे? हाँ जी हाँ जी। खाते हैं फूलों को? नहीं, खाते तो हैं, लेकिन पेड़ बड़े नाजुक भी होते हैं और बड़े ऊंचाई पर होते हैं। तो ये बड़े आनंद ले रहे हैं। क्या डांस कर रहे थे क्या? हो जाए डांस थोड़ा सा। हो जाए लगा दो डांस कर लेते हैं थोड़ी देर। आप याद आ सर? अरे मुझे तो नाचना नहीं आता। मुझे नहीं नाचना ही आता सचमुच में। हम पहुंच रहे हैं कांडी। ये समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर ऊंचाई पर है। यह है कांडी और ऊपर एक छोटा सा मंदिर नजर आ रहा है। तो यहाँ मैं रुकूंगा। दरवाजा खोलते ही यहाँ स्वागत कर रही है खूब हवा। तो हवा के तेज झलकोरे खूब रोमांचित कर रहे हैं। यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं बुरांस के फूलों से लदा हुआ एक पेड़। तो हम इन पेड़ों में से होकर गुजरेंगे और इसके सौंदर्य का आनंद लेंगे। ये कुल्लू का रास्ता और ये है कांडी का क्षेत्र। ये है कांडी का छोटा सा बाजार और ये जो ऊपर सड़क जाती है ये चली जाती है लक्षाल गाँव की ओर। आखिर बुरांस के फूलों से दीदार हो ही गया कांडी में। इस रास्ते पर कुछ छात्राएं मिल गई, टीरी से हैं और ये छवारा जा रही हैं। बता रही हैं कि छवारा जा रही हैं शादी में शरीक होने के लिए। इस क्लास में पढ़ते हैं आप लोग? मैं पढ़ती हूं। तुम प्लस वन में? क्या क्या विषय रखे हैं? हमें हमारा तो आर्ट्स है। आर्ट्स है तो अच्छा है। आर्ट्स में क्या क्या पढ़ती हो? आर्ट्स में हम फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और हिंदी। जंगल में अकेले चलते हुए अगर आदमी मिल जाए तो किसे खुशी नहीं होगी। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैं जंगल में अब अकेला नहीं हूँ। इस वन प्रांत में आसपास से चिड़ियों के चहकने की बहुत सी आवाजें आ रही हैं, बड़ी मधुर, कानों में मिश्री सी घोल रही हैं। अगर आप सुन पा रहे हो तो आप भी थोड़ा सा ध्यान देकर सुने। और ये देखिए, सर्वत्र यहाँ फूलों से लदे हुए हैं पेड़, बुरांस के फूलों से। समुद्र तल से 1500 से 4000 फुट की ऊंचाई पर पाया जाने वाला बुरांस बसंत ऋतु आने पर मार्च अप्रैल के महीने में खिलता है। इसके खिलने से पहाड़ों की शोभा दोगुनी बढ़ जाती है। इसका वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रोन है, जबकि संस्कृत में इसे कुरवाक नाम से जाना जाता है। गुलाबी बुरांस हिमाचल प्रदेश का राज्य फूल है। बुरांस का फूल खूबसूरत, मनमोहक तो होता ही है, लोग इसका प्रयोग चटनी, शरबत के रूप में भी करते हैं। बुरांस में औषधीय गुण पाए जाते हैं। यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है, अतः इसका प्रयोग सिरदर्द, खांसी, एनीमिया, किडनी एवं लीवर के रोगों में लाभदायक होता है। डायबिटीज को भी नियंत्रित करता है बुरांस का फूल।